दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के एक नए अध्यक्ष बने हैं जेपी नड्डा। अब नड्डा जी ने आज पूरे लखनऊ को रोक दिया। वो देखिए, एक ट्रैफिक पुलिस के सिपाही जी खड़े हैं, वहाँ एक दरोगा जी खड़े हैं, क्राइम हो जाए कोई फर्क नहीं है, कहीं चेन लूटी जाए तुम नहीं जा सकते यहाँ से, हम साफ कहेंगे। अगर सामने भी चेन स्नेचिंग हो रही हो ना, छोड़ के नहीं जा सकते, ये ड्यूटी कर रहे हो अपनी। हम डंके की चोट पे बात बोल रहे हैं, सेना भी रुकी हुई है, सब रुके हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आज लखनऊ को रोक रखा है, देखिए कितने सारे लोग रुके हुए हैं। क्या मिल रहा है इसको रोक के? वो एक दरोगा जी इंस्पेक्टर हैं, 3 स्टार वाले। अब वो 3 स्टार वाले इंस्पेक्टर साहब जो घूम रहे हैं, अगर उनको भी क्राइम की कहीं सूचना मिल जाए तो नहीं जा सकते, क्योंकि अभी VVIP ड्यूटी पर हैं, है ना। तो ये VVIP ड्यूटी किसके लिए है दोस्तों, इसको सोचिए। सब लोग किसके लिए खड़े हैं? सब लोग किसके लिए आप लोग खड़े हैं? हम लोग किसके लिए खड़े हैं यार? जबरदस्ती खड़े हैं, मतलब लेना एक ना देना दो, जबरदस्ती खड़े हैं। 5-5.5 घंटे हो गए जेपी नड्डा के पीछे लखनऊ को परेशान होते हुए, और मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो सामने उत्तर प्रदेश पुलिस के एक इंस्पेक्टर खड़े हैं, ये जो उत्तर प्रदेश पुलिस के कांस्टेबल हैं, ट्रैफिक पुलिस, इनको वेतन तो हमारे आपके टैक्स से मिलता है, और ये नौकरी किसकी कर रहे हैं? ये उन नेताओं की आज नौकरी कर रहे हैं जो नेता बदल जाएंगे। डंके की चोट पे ये बात बोल रहा हूँ, ये जो नेता सामने से गुजर रहे हैं ये बदल जाएंगे। ये जो आ रहा काफिला ना, इस काफिले में कल ये लोग नहीं थे, ये बदल जाएंगे नेता, लेकिन ये इंस्पेक्टर साहब नौकरी करते रहेंगे बेचारे। इन पर कसम से अपने पिताजी हमारे चूंकि इंस्पेक्टर है ना, इसलिए अजीब सा लगता है। सच बोलते हैं, सच बोलना चाहिए। अगर आज नहीं बोलेंगे तो बोलेंगे कब हम लोग, ये बताइए। सबको बोलना चाहिए। ये है देश की सरकार हमारी, लॉ एंड ऑर्डर केवल VVIP और VIPs के लिए, नेताओं के लिए है लॉ एंड ऑर्डर। सरकारी लोग नौकरी कर रहे हैं नेताओं के लिए, हम जनता के लिए कोई नौकरी नहीं कर रहा है। यहाँ पर ढेर सारे लोग खड़े हैं, किसी का कोई काम फंसा है, किसी का कोई काम फंसा है। बाबूजी एकदम साफ शब्दों में कह रहे हैं कि इतनी देर, आधा पौन घंटा से हम लोग रुके हैं, इतनी देर नहीं रोका जाता है किसी को। इतने रोक, इतनी भीड़ सिर्फ यहाँ पर, और इससे पीछे हजारों लोग रुके हुए हैं। AC कार में बैठ के नेताजी अभी गुजर जाएंगे। हमारे टैक्स से तनख्वाह पाती सरकारी कर्मचारियों की फौज इनकी नौकरी बजाते, ये जो जा रहे हैं ना, ये हमारे आपके लिए नहीं है, इन नेताओं के लिए है। शर्म आती है कसम से ऐसी व्यवस्था पे। कहीं और से रास्ता नहीं है, पका जा रहे हैं गर्मी में। अरे पकी जा रही तो पको थोड़ी।